नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजे आना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। आगरा से लौट रहे यात्रियों का बदरवास के समीप हुआ एक्सीडेंट, जिनमें चार लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि अन्य चार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अरुण शर्मा के मुताबिक ये लोग आगरा से अपने गांव आष्टा जा रहे थे। वहीं बदरवास के आगे एक खड़े ट्रक में उनकी गाड़ी टकरा गई, जिससे इनके साथ अन्य सात लोग भी सवार थे। इस गाड़ी में हादसा इतना भयानक था कि घटनास्थल पर ही चार लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस बात की पुष्टि अरुण शर्मा नहीं करते हैं। वहीं एक्सीडेंट के बाद घायलों को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कहां से हैं आप? आष्टा। बताएं कहां जा रहे थे आप? आगरा से आए। आगरा से लौट रहे थे आप, तो कैसे एक्सीडेंट हो गया बताएं? यार भैया, ये तो इसमें गाड़ी में ट्रक खड़ा था, उसमें घुसर थी इसमें। अच्छा, ट्रक में घुसर थी पीछे से। हाँ, पीछे। ट्रक में खड़े खड़े। अच्छा अच्छा, तो घायल कौन कौन है भाई साहब? आपने से हमने चार लोग हैं, दो और भारे थी। अच्छा, चारों को हमें गाड़ी यहाँ लिया है, वहाँ से हॉस्पिटल से यहाँ रेफर कर दिया। चारों स्वस्थ हैं। और बाकी लोग और भी आपके साथ में और भी थे ना? लोग और भी थे। लगभग कितने लोग थे आपके साथ? चार लोग और। चार लोग और। तो उनके साथ क्या स्थिति है उनकी? सर, स्थिति तो अभी मालूम नहीं पड़ी है। सर, काम तो पड़ता नहीं, वैसे हाईवे पे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस जैसे ही गाड़ी गई वैसे ही हम देखे, तो बस कुछ नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा, क्यों चुकी हालत में? फोन पे गाड़ी बुलवा ली 108 और हम आए। स्काउट गाइड द्वारा स्वच्छता एवं महिला जागरूकता को लेकर एक रैली शहर से निकाली गई। इस रैली के निकाले जाने का मकसद शहर में स्वच्छता एवं महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वहीं रैली को कैंट से निकाला गया, साथ ही हनुमान चौराहे से होते हुए स्वतंत्रता पार्क जाकर समाप्त किया गया। रैली के समापन के अवसर पर स्वतंत्रता पार्क में स्काउट गाइड के सभी लोगों ने वहाँ पार्क में साफ सफाई भी की। उधर जाओ, उधर सफाई करना है लंबे। यार उधर इधर क्यों आ रहे हो इनके पास? चलो उधर उधर उधर। आज लाल परेड पर फाइनल रिहर्सल के बाद में स्काउट गाइड रेड क्रॉस द्वारा एक रैली निकाली गई। स्वच्छता और महिला जागरूकता और पर्यावरण रैली का आयोजन किया गया। ये रैली लाल परेड से होते हुए कैंट, हनुमान चौराहा, हार्ट रोड से होते हुए स्काउट गाइड ऑफिस और स्वतंत्रता पार्क पहुंची। यहाँ पे स्काउट गाइड और रेड क्रॉस के बच्चों ने साफ सफाई स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पे साफ सफाई की और इन्हें नाश्ते के बाद में इनको यहाँ पे घर के लिए। केदारनाथ से आयोजित किया गया एक विशाल कांवड़ यात्रा। इस यात्रा में तकरीबन 10,000 की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं ने भाग लिया। यह कांवड़ यात्रा केदारनाथ धाम से जाट मोहल्ला से जोगेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त हुई, जिसके बाद कांवड़ियों ने जोगेश्वर महादेव का अभिषेक किया। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चों ने भी भाग लिया। सभी डीजे की धुन पर थिरकते हुए बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा के आगे ही आगे महिला एवं बालिका अपने सर पर कलश धारण किए हुए थे। Thank you.
25 किलोमीटर से आए अपन यार, इतनी आवाज है बस। ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्थानीय संजय स्टेडियम में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में गुना जिले में पढ़ने वाले 19 वर्ष से कम उम्र के कई बच्चों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। इसके बाद यहां के चयनित बच्चों को गुना विकासखंड की तरफ से जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में जाने का मौका भी मिलेगा। आजा भाई यार, ब्लॉक स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता आज यहाँ संजय स्टेडियम पर खेली जा रही है, जिसमें गुना ब्लॉक के अधिकतर स्कूल्स के 19 साल के बच्चे। अच्छा, यहाँ बालक 19 वर्ष स्कूल शिक्षा की ब्लॉक की क्रिकेट प्रतियोगिता की चयन ट्रायल आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के गुना के अध्ययनरत छात्र अपने क्रिकेट कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें से चयन की हुई बच्चे जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में गुना विकासखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। हर वर्ष की भांति इस बार भी सावन के प्रत्येक सोमवार को निकलती है बाबा भोलेनाथ की शाही सवारी। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा भोलेनाथ का शहर का भ्रमण करते हैं। आज भी यह पालकी जात मोहल्ला स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई, जहां से श्रद्धालुओं ने बाबा की पालकी अपने कंधे पर उठाकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में ले जाया गया। बैंडबाजों की धुन पर भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए सभी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से इस यात्रा में सम्मिलित हुए। यात्रा में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं देखा जाता, वहीं हर वर्ग का व्यक्ति बाबा के इस शहर भ्रमण का हिस्सा बनने की कोशिश भी करता है।
छात्र संगठन डीएसओ ने कलेक्टर परिसर में किया धरना प्रदर्शन। छात्र संगठन कई लंबे समय से स्थानीय पीजी कॉलेज में सीट वृद्धि को लेकर मांग कर रहा है। हालांकि इनकी मांगों को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने 25% सीटों की वृद्धि भी की, लेकिन इनमें केवल 300 छात्र एवं छात्राओं का ही दाखिला संभव हो पाया। अभी भी तकरीबन 800 ऐसे छात्र छात्राएं मौजूद हैं जिनके ऊपर दाखिला न मिलने का साया मंडरा रहा है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर छात्र संगठन कलेक्ट्रेट प्रांगण में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। इनकी यही मांग है कि जितने छात्र छात्राओं ने कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उन सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज में दाखिला कराया जाए। काफी लंबे समय से छात्र संगठन प्रयासरत है कि उन सभी छात्र छात्राओं को न्याय मिले। अब देखना यह होगा कि किस तरह से जिला कलेक्टर हस्तक्षेप करके 800 छात्र छात्राओं के भविष्य को संवार पाएंगे। तुम तो ले का चिंता नहीं बाबा, तुम तो वाल आज भरा ले गए मुंह को बंद आज यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पर सभी छात्रों द्वारा ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आप मतलब काफ़ी लंबे समय से छात्र मांग कर रहे हैं कि जितने भी छात्रों ने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराया है, अपने एडमिशन के लिए सत्यापन कराया है, उन सभी छात्रों को प्रवेश देना चाहिए। लेकिन हालात ये हैं कि आज CLC की वेटिंग लिस्ट लगी है, उसमें मात्र 10-12 छात्रों के नाम आए और अभी भी 800 छात्र ऐसे ही अकेले BA में जिनके एडमिशन में नाम नहीं आए, मतलब 800 छात्र अकेले गुना PG कॉलेज में शिक्षा से वंचित होने की स्थिति में आ गए, उनका भविष्य बर्बाद होने की स्थिति में आ गए। तो इसको लेकर के आज हम लोग जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि पिछली अभी 2 दिन पहले जो 25% सीट बढ़ाई गई थी उसमें मात्र 300 लोगों को एडमिशन मिल पाया है, बाकी जो 800 छात्र हैं इनके एडमिशन की भी व्यवस्था की जाए। जो फैकल्टी चेंज करना चाह रहे हैं उसकी लिंक नहीं सीट किया जाता क्योंकि जो फैकल्टी है वो चेंज हो पाए और बाकी जो छात्र बच रहे हैं वो सीट बढ़ा करके उनको भी एडमिशन दिया जाए, इसी को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग बात करने के लिए। बड़े ही धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय क्षत्रिय वीर दुर्गादास राठौर की 380वीं जयंती। राठौर समाज द्वारा राठौर धर्मशाला में वीर दुर्गादास जयंती समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आबकारी ठेकेदार प्रेम नारायण राठौर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा, वर्तमान जिला अध्यक्ष विठल दास मीना, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता व वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष राधेन सलूजा के पुत्र अनमोल सलूजा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीपमाला प्रज्वलित कर की गई। वहीं राठौर समाज के प्रतिभावान बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। राठौर समाज के प्रतिभावान बच्चों को समाज द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। सेनापति थे, ये बहुत बड़ी महान विभूति थी जिसी में से आप लोग हैं और ये मेवाड़ के सेनापति रहे हैं और इन्हों के हाथ में पूरा राजभाग था, वो जो चाहते थे वही होता था। तो आगे ज्यादा न कहते हुए आज इनकी 380 वर्ष मनाट आप मना रहे हैं, मैं आपको पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि आज उन ऐसे महान भविष्य का जन्मदिन के अवसर पर बच्चों का भी उत्साह वर्धन किया और आगे भी उम्मीद है आप ऐसे ही करते रहेंगे। समाज के अध्यक्ष आदरणीय पवन राठौर जी हमारे साथ आए भाई। जयंती के अवसर पर मैं राठौर समाज की ओर से समस्त शहरवासियों को, नगरवासियों को एवं राठौर बंधुओं को 380वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एवं हमारा ये कार्यक्रम यहां पुरानी छावनी श्रीराम धर्मशाला में हमने जो आयोजित किया है, इसमें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रायन सिंह जी सलूजा, हमारे नगर के श्री प्रेम नारायण जी राठौर, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई विठल दास जी मीना इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए एवं समस्त TV चैनल एवं पत्रकार बंधुओं का मैं राठौर समाज के अध्यक्ष की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
गुरु श्री रामदास जी सेवा समिति द्वारा विगत एक वर्षों से किया जा रहा है जिला चिकित्सालय में सेवा का कार्य, जिसके चलते समिति के सदस्यों द्वारा जिला चिकित्सालय में आकर प्रतिदिन मरीजों एवं उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन वितरित किया जाता है, जिसके बदले में यह कोई शुल्क नहीं लेते हैं। साथ ही समिति के सदस्यों ने अपील भी की है कि गुरुद्वारा गुरु सिंह साहिब में चल रही श्री रामदास जी सेवा समिति के साथ जुड़कर सेवा कार्य करना चाहें तो वह भी आगे आकर इसमें कर सकते हैं। इस कार्य के लिए समिति के सदस्यों द्वारा किसी अन्य से कोई पैसा नहीं लिया जाता। वहीं समिति के सदस्य अपने ही स्तर पर भोजन वितरित करते हैं। सभा की समिति के श्री गुरु रामदास सेवा समिति के सदस्य हैं। हम लोग डेली यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में सेवा करने आते हैं। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि आप लोग भी अपने दिल से ऐसे ही गरीबों के लिए सेवा कीजिए जैसे हमारी समिति कर रही है, और चाहें तो आप हमारी समिति के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर ईश्वर ने हमें थोड़ा दिया है तो उसे अगर हम बांट के खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा श्री गुरु रामदास सेवा समिति के हम सभी सदस्य हैं, और पिछले करीब एक साल से ये हमारी सेवा निरंतर चल रही है और निःशुल्क चल रही है। इसमें हमारे मेंबर्स का ही सब कंट्रीब्यूशन है, तो मैं समाज के और लोगों से अपील करूंगी कि लोग आएं और जुड़ें, जिससे हमारी सेवा और बड़े स्केल पे चले और हम और आगे बढ़ के इसकी सेवा का कार्य करें और हिम्मत से हम और आगे बढ़ें। बस इतना ही हम आप लोगों से चाहेंगे। बाबा भोले की शोभा यात्रा म्याना के मुख्य मार्गों से घूमते हुए म्याना चौराहे पर पहुंची। म्याना चौराहे के बाद वापसी में थाने समीप प्राचीन कुएं पर इसका समापन किया गया। डीजे एवं बैंड बाजों के साथ श्रद्धालु डांस करते हुए आगे आगे आनंद लेते नजर आ रहे थे। वहीं पीछे भोले की शोभा यात्रा चल रही थी। म्याना से हमारे सहयोगी सत्यन तिवारी की रिपोर्ट। बीनागंज के समीप एक यात्री बस एवं ट्रक की भिड़ंत में एक की मौत हो गई, वहीं अन्य घायल भी हुए हैं। बीनागंज थाना प्रभारी के अनुसार चारणपुर के समीप पेट्रोल पंप के बाहर कमला बस खड़ी हुई थी, जिसके पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी जिसके चलते यात्री बस पलट गई। इस हादसे में एक यात्री जो कि बस के नीचे दब गया था उसकी मौत हो गई, वहीं अन्य घायलों को गुना चिकित्सालय लाया गया। आज ही पलटी, आज डीजेना में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Yeah.